हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं लौंग के पानी को पीने के फायदा। ये किस तरह से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करता है और महिला को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। तो चलिए जानते हैं लौंग के फायदे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लौंग में क्या पाया जाता है। देखिए दोस्तों, लौंग में विटामिन सी और जिंक पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में और ये कई बीमारियों से लड़ने में ये हेल्प करता है। लौंग क्या है, इसे हमें अगर हमारे हमारी एग क्वालिटी अच्छा नहीं बन रही है तो हम इसे कैसे पिए कि हमारी एग क्वालिटी अच्छा हो। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, 3 से 4 लौंग लेनी है और इसे रात को भिंगो के, आपको 1 गिलास पानी में भिंगो के रख देना है। आप जब सुबह उठे तो इस पानी को आप पी लीजिए, और अगर गर्मी का दिन है तो आप ऐसे ही पीजिए। अगर ठंड का मौसम है तो आप इसे क्या करें, हल्का सा गर्म कर ले और लौंगे निकाल दे और आप इस पानी को पी लीजिए। तो इस पानी को आपको कब तक पीना है, जब आपका पीरियड डेट स्टार्ट हुआ उस दिन से आप इसे पीने स्टार्ट करिए और 14वें और 15वें दिन तक इसे लगातार पीजिए। डेली पीना है दोस्तों। अगर बाई चांस आप कभी भूल जाते हैं, तो अगर आप रात को भिंगोना लौंग भूल जाते हैं तो क्या करें, इसे सुबह 3 से 4 लौंग इसे पानी को आप उबाल लीजिए गैस पे, और उबाल के इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा होने के बाद जब ये हल्का गुनगुना रहे तब इसे आप पी लीजिए। इससे क्या है दोस्तों, अगर जो महिलाओं का एक अच्छा से नहीं बन रहा है, एक बनने के बाद अच्छा से रप्चर नहीं हो रहा है, अगर आप इस लौंग के पानी को पीते हैं तो आप निश्चित तौर से देखिएगा कि आपका एक क्वालिटी भी आपके एक क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आई और आप जल्दी ही नेचुरल तरीके से कंसीव कर लीजिएगा। तो इस पानी को आपको कब तक पीना है, 15 दिन पीने के बाद आप इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि लौंग एक तरह से गर्म चीज़ होता है। तो इससे क्या है, अगर आप 15 दिन के बाद पीते हैं, अगर बाई चांस आपने कंसीव कर लिया, आपकी फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई, तो हो सके ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि ये गर्म होता है। आपको क्या करना है, 15 दिन तक ही लेना है और फिर आप नेक्स्ट पीरियड तक देखिए कि आपका कंसीव हुआ या नहीं हुआ। अगर कंसीव नहीं हुआ तो फिर आप नेक्स्ट पीरियड से इसे उसी तरह आप ले सकते हैं। इसे कम से कम आपको 3 मंथ से 4 मंथ तक लगातार लेना है। कोई भी चीज़ को देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ आपको धीरे धीरे फ़ायदा करता है। कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो उसे आप लेते जाएंगे, धीरे धीरे वो चीज़ फायदा करता है। तो आप इसे कम से कम 3 मंथ इसे ट्राई करके देखिए, अगर आप ने आपका एक क्वालिटी बूस्ट होगा और आप जरूर ही जल्दी ही प्रेग्नेंट बनेगी, क्योंकि है प्रेग्नेंट होना हर हर औरत का सपना होता है। वह सब चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हूँ। तो इस तरह से आप लौंग पानी पी के देखिए दोस्तों, ये बहुत आपको हेल्प करेगी फर्टिलिटी में। इसे पुरुष भी पी सकते हैं। इसे अगर पुरुष भी इस तरह से ही आप भी अगर प्रेगनेंसी पुरुष और महिला जब प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करते हैं तो दोनों ही ले सकते हैं। इससे क्या है, उनके स्पर्म काउंट भी तेज़ी से बढ़ती है। तो आप दोनों इसे इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार इस होम रेमेडी को ट्राई करके देखिए, आप जरूर नेचुरल तरीके से कंसीव करिएगा। आपने अगर जब सब चीज़ ट्राई कर लिया तो एक बार इसे भी ट्राई करके देखिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं इसे भी आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों।